बचनीताब गुड मॉर्निंग, स्वागत है। जनवरी महीने की शुरुआत और अंत दोनों मजबूती के साथ हो रहे हैं, बीच में जो कुछ भी हुआ वो हुआ। स्वागत है सर आपका। बताएं सर सबसे पहले एक बार आउटलुक बाजार पर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो आई थिंक आज और कल में डिसाइड हो जाएगा। मार्केट ग्लोबली भी अब रैली के लिए तैयार है। लिख के लीजिए, मेरे को लगता है ये फरवरी लास्ट तीन महीनों में सबसे अच्छी होगी, और उसके तीन कारण है। एक, इंडिया के रिजल्ट। टू, ऑल द फेड न्यूज। प्राइस इन अब जो होगा मार्च में 25 या 50 बेसिस पॉइंट मुझे नहीं पता, लेकिन कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, इंडिया की रीओपनिंग, आर बैंक्स आउट परफॉर्मिंग, ये एक नजरअंदाज नहीं हो सकता। साथ में अगर कल फिंगर्स क्रॉस कोई भी अच्छी न्यूज कैपिटल मार्केट पे आ गई, जैसे बॉन्ड्स इंक्लूजन ग्लोबली और LTCG पे जो लिमिट बढ़ाने का है, तो आई थिंक ग्रोथ के लिए बहुत बहुत बढ़िया है। तो फिंगर्स क्रॉस 18,300 वापस आते हुए दिखता है मुझे बहुत जल्दी, और इस कारण से एज ए डिस्क्लोजर हम तो बाइंग की तरफ से और रुझान रखेंगे। दिस इज द टाइम फॉर इंडिया टू आउट परफॉर्म ऑल ग्लोबल इंडेसेस। एक और चीज बता दूं अनिल जी, इन लास्ट वीक्स कार्नेज लोगों ने शायद ऑब्जर्व नहीं किया, ब्राजील एंड रशिया इंडेक्स वॉज अप 7%। सो आई थिंक स्मार्ट मनी इज गोइंग टू बाय इमर्जिंग मार्केट्स, और इस कारण से मेरा रुझान होएगा, क्योंकि आपने देखा है वैल्यूएशंस फॉर IT, सीमेंट, स्टील आर एक्सट्रीमली लुक्रेटिव। आप कहें तो मैं फ्राइडे का भी अपडेट दूं और आज की कॉल दूं। पहले फ्राइडे का अपडेट बताएं सर। देखिए अनिल जी, मैंने आपको दो तीन दिन से स्टील और सीमेंट कहा था, आज का टॉप गेनर अल्ट्राटेक है। ACC के नंबर्स बहुत रोबस्ट है, और अगर स्टील प्राइसेस बढ़नी है तो अनक्वेश्चनेबली अगेन श्री सीमेंट वुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशरीज। उसके रिजल्ट्स भी हैं, एक आध दिन में उसके रिजल्ट्स बहुत दमदार आएंगे, बिकॉज श्री सीमेंट इज द लोएस्ट कॉस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। दूसरे मेरे को बहुत पसंद है स्टील, क्योंकि जिंदल, निपॉन स्टील एंड पॉस्को बोथ हैव रेज्ड प्राइसेस, और कल मुझे लगता है लॉन्ग प्रोडक्ट्स के प्राइसेस 1 फरवरी को बढ़ जाएंगे। साथ में जो मेरा आउट परफॉर्मर है वो BEL है, जो मैं अभी भी कहता हूँ आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि डिफेंस स्पेंडिंग इज गोइंग अप, और उसके रिजल्ट देखिए कितने दमदार हैं। अब आपके लिए IT स्टॉक्स मैंने रेकमेंड किए हैं, स्टील, सीमेंट, ये तीन सेक्टर्स मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं इन दिस वीक एंड बियॉन्ड। अब आप कहें तो मैं आज के लिए कॉल दूं अनिल जी। बिल्कुल बताएं सर आज के लिए फ्रेश कॉल्स। तो देखिए, पहले तो BEL लीजिए, आई नो ये आपको रहे, लेकिन कल का जो डिफेंस बजट है, अगर उसमें थोड़ी सी भी इंक्लिंग आ गई, IoT ऑफ थिंग्स, ही इज नाउ प्ले, BEL इज नाउ गिविंग बिड्स ग्लोबली टू अमेरिका लार्जेस्ट प्लेयर। तो 235 का टारगेट मुझे दिखता है, थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा क्योंकि ये वॉलेटाइल है, लेकिन आई थिंक द वर्स्ट इज बिहाइंड, द रिजल्ट्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग। दूसरा पिक होगा जो मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ा बेनिफिशरी है दिल्ली एयरपोर्ट, इज डूइंग 4 times ट्रैफिक ऑफ दुबई, और मुझे लगता है GMR इज नाउ पॉइज टू डू एक्सट्रीमली वेल। साथ में जैसे मैंने आपको डिस्क्लोजर दिया, 2 साल पहले टाटा इन द प्राइवेट इक्विटी हैव इन्वेस्टेड 8,000 इन द एयरपोर्ट, नाउ दे ओन एयर इंडिया। इसका भाव मुझे 70 रुपए इस साल में दिखता है, लेकिन अभी आप 41 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 39.50, टारगेट ऑफ 46 फॉर द बजट। अब ये कल के लिए रखने का है अनिल जी, GMR। तो BEL और GMR मेरे दो पिक्स हैं। श्री सीमेंट, अल्ट्रा, ACC, अल्ट्राटेक में मैं अक्यूमुलेट हूँ, और जिंदल स्टील सेल मेरे आउट परफॉर्मर्स होंगे फ्रॉम टुमारो। बिल्कुल, तो चलिए, तो ये दो और स्टॉक हैं जो भसीन साहब को पसंद है। भसीन साहब, कल दिन भर आप हमारे साथ हैं, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक जो भी हमारे दर्शक भसीन साहब की रियल टाइम बेसिस पर बेहतरीन कॉल्स लेना चाहें वो भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो आपका रियल टाइम बेसिस पर ऑनलाइन एनालिसिस स्टॉक्स का, सेक्टर्स का होता रहेगा। धन्यवाद।